अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज रुहेल फ्रॉम अलाउंड ऑयल सेंटर। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो डिवाइस आपके लिए गए हैं वो इन्फिनिक्स का न्यू मॉडल नोट 11 जो कि आ चुका है। सो आइए दोस्तों जल्दी से इस डिवाइस को अनबॉक्सिंग करते हैं, इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस आपके साथ करते हैं शेयर। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली हमारी कीमती वीडियो को मिस ना कर सकें। सो अगर इन्फिनिक्स नोट 11 की बात की जाए प्राइस की, तो इसकी प्राइस टैग पाकिस्तान मार्केट में आपका रेट 30,000 है। पर ये डिवाइस अगर आप हमसे परचेज करते हैं, मतलब अल्लाह मदद मोबाइल से, तो आपको ये डिवाइस 28,300 में मिल सकती है। तो दोस्तों टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, कहीं और जाने का सोचिए मत, अल्लाह मदद पर तशरीफ लाएं और ये डिवाइस डिस्काउंट के साथ हासिल करें। इसके बॉक्स अगर इसके बॉक्स की बात कीजिए तो सामने साइड में आपको इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग देखने मिलेगी, नीचे नोट 11 की ब्रांडिंग मेंशन होगी, ऊपर वाली साइड में आपको 4GB रैम और 128GB मेमोरी का मेंशन होगा, और नीचे वाली साइड में स्पेशली ये कॉर्नर में एमोलेड 6.7 फुल HD डिस्प्ले का मेंशन है। राइट साइड में भी आपको नोट 11 की ब्रांडिंग देखने मिलेगी और जोंग की तरफ से आपको फ्री डाटा 12GB का शायद मिल जाए, और दूसरी साइड में भी सेम आपको ऊपर PTA की स्टैम्प देखने को मिलेगी, नीचे आपको नोट 11 की ब्रांडिंग देखने मिलेगी, ऊपर वाली साइड में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा देखने को, पीछे वाले साइड में इसके कुछ हाइलाइट्स मेंशन है। वैसे तो इस डिवाइस में आपको 3 कलर देखने मिले, एक है ग्रेफाइट ब्लैक, दूसरा है सेलेस्टिक स्नो और तीसरा है ग्लेशियर ग्रीन। यार इतने मुश्किल नाम रख देंगे, सिंपल जुबान में कहा जाए तो ये आपको एक व्हाइट कलर देखने मिलेगा, एक ग्रीन कलर देखने मिलेगा और थर्ड वन है ब्लैक कलर। तो इस डिवाइस को जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस आपके साथ करते हैं शेयर। सो फाइनली बॉक्स ओपन होने के बाद आपको फिर से एक डिसेंट सिंपल व्हाइट बॉक्स देखने मिला है। सो इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं जल्दी। बॉक्स को ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको नजर आएगी आपकी डिवाइस, क्योंकि पैकिंग में रैप है, इसके ऊपर फिर से कुछ हाइलाइट्स मेंशन है जिसमें इन्फिनिक्स नोट 11 की ब्रांडिंग और उसी तरह एमोलेड HD डिस्प्ले, G88 का प्रोसेसर, 33W का फास्ट चार्जर और 50MP का कैमरा। सो इस पेपर को जल्दी से अनरैप कर लेते हैं। अगर इस डिवाइस की फर्स्ट लुक की बात की जाए तो बहुत ही इंप्रेसिव लुक है, आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लुक है, बहुत ही कमाल कर दिया है, डिसेंट सी लुक है। सो सबसे पहले इस डिवाइस को टर्न ऑन कर लेते हैं। जब तक ये डिवाइस टर्न ऑन होती है हम बढ़ते हैं इसके बॉक्स की तरफ। डिवाइस के बाद आपको इसमें कुछ इसके IME पेपर देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको 1 ईयर का वारंटी कार्ड और पैकिंग में एक बहुत ही अच्छा सा केस देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर आपको नाउ की ब्रांडिंग और इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। बहुत ही आउट क्लास पाउच है इसमें। इसके साथ साथ आपको एक्स क्लब की तरफ से डॉलर की शेप में ये आपको देखने को मिलेगा पेपर। इसके बाद आपको यो की छोटी कजन देखने को मिलेगी जो काफ़ी यो करती हुई नज़र आ रही है, विन फ्री फोन, कुछ PTA की तरफ से हदायत, और आपको इसमें जो अडाप्टर देखने को मिला इन्फिनिक्स की तरफ से 33W का फास्ट अडाप्टर। इसमें जो केबल आपको ऑप्शन मिल रही है वो है टाइप सी की ऑप्शन केबल की, सिम इंजेक्टर, उसके बाद एम्प्टी बॉक्स। सो इन सब चीज़ों को बॉक्स में दोबारा रख देते हैं और बढ़ते हैं डिवाइस की तरफ। तो फाइनली डिवाइस आपकी ऑन हो चुकी है। अगर सबसे पहले इसकी फर्स्ट लुक की बात की जाए, इसके बॉडी डिज़ाइन की बात की, तो इन्फिनिक्स ने पहले से बहुत बेहतर ये काम किया है। इसकी बॉडी लुक की बात की तो बहुत ही आउट क्लास लुक है, आप देख सकते हैं काफ़ी ग्लासिक सी लुक दे रहा है, और ये सारी इस दफ़ा जो बॉडी आपको देखने में प्लास्टिक बॉडी और मैट सी लुक है। इसमें आपको फिंगरप्रिंट्स के निशान भी बहुत कम नज़र आएंगे और इसके साथ साथ बहुत ही स्लिम स्लीक डिज़ाइन है जो कि पहले से बहुत ज़्यादा आउट क्लास है। बात की जाए इसके बैक साइड पर आपको इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग देखने मिलेगी, और पीछे वाली साइड में आपको 3 कैमरा का सेटअप देखने को मिल रहा है बहुत ही प्यारा, जिसमें एक रियर कैमरा है जो कि मेन काम कर रहा है, जो बहुत ही आउट क्लास लुक प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ साथ आपको अगर साइड की बात की तो साइड में आपको पावर बटन की ऑप्शन देखने मिली जो कि फिंगरप्रिंट का काम देगी, उसके ऊपर वॉल्यूम अप एंड डाउन की ऑप्शन देखने मिली, और नीचे वाली साइड में आपको टाइप सी की ऑप्शन, उसके साथ हेडफोन जैक और स्पीकर की ऑप्शन देखने मिलेगी। और आप इसके डिज़ाइन को देख सकते हैं, साइड में भी आपको मैट सी लुक प्रोवाइड कर रहा है, बहुत ही अच्छी लुक है, और इसके एक दूसरी साइड में आपको सिम स्लॉट की ऑप्शन देखने को मिल रही है।
बॉडी की बात कीजिए तो ये पहले से ज्यादा मजबूत है, इसकी ड्यूरेशन पहले से बेहतर है। कैमरों की बात कीजिए तो इसके बैक साइड में आपको 3 कैमरा का सेटअप देखने को मिला है, जो कि 50 मेगापिक्सल का आपका रियर कैमरा काम करेगा विद क्वाड फ्लैश लाइट के साथ। और फ्रंट साइड के कैमरे की बात की जाए तो फ्रंट साइड में आपको 16 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा विद ड्यूल फ्लैश लाइट के साथ। अगर इस परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसमें मीडियाटेक हीलियो G88 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि गेमिंग के लिए काफी हद तक बेहतर है। इसके डिस्प्ले साइज की बात की जाए तो आपको 6.7 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले देखने को, इस प्राइस में आपको इन्फिनिक्स की वाहक कंपनी है जो आपको एमोलेड डिस्प्ले दे रहा है। इसके साथ साथ अगर इसके फ्रेश रेट की बात की तो 90 हर्ट्ज का फ्रेश रेट प्रोवाइड करेगा, जो यूज करने के बाद शायद 60 हर्ट्ज आपको प्रोवाइड कर सके। के लिहाज से बात कीजिए तो गेमिंग के लिए भी काफी अच्छी डिवाइस है। G88 प्रोसेसर परफॉर्मेंस वाइज बहुत बेहतरीन है। गेम PUBG में ये आपको 40-50 FPS प्रोवाइड करेगा, तो काफी हद तक बेहतर डिवाइस है। 30,000 रुपए में ये डिवाइस बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों, एमोलेड डिस्प्ले जिसको 30,000 में चाहिए, गेमिंग भी अच्छी चाहिए और बॉडी की बात कीजिए तो बहुत ही स्लिम डिज़ाइन चाहिए, तो ये डिवाइस बहुत बेहतर है। ये थी आज की डिवाइस जो कि मुझे तो बहुत बेहतरीन लगी इस प्राइस में 30,000 रुपये में। तो दोस्तों, आई होप सो आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए, अगर नहीं भी अच्छी लगी तो बर्दाश्त कीजिए, भाई सीख जाएगा टाइम के साथ, अच्छी से अच्छी वीडियो ले आएगा। पर इन्फिनिक्स वालों, ये कलर जो मुश्किल नाम है ना, ये आप थोड़े से चेंज कर दें, थोड़ा सा इजी नाम यूज़ करें ताकि हम वीडियो बनाने वालों के लिए आसानी पैदा हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।